Hi mommies and daddies, welcome back to MomCom India. Breastfeed is the best feed, इसमें कोई doubt ही नहीं है. और मुझे ऐसे लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसी मदर नहीं है जो इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं जानती. इनफैक्ट डॉक्टर्स भी ये रेकमेंड करते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी को एटलीस्ट 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड ज़रूर मिलनी चाहिए. इससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है. और अगर हो सके तो आप 2 से 3 साल तक अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ब्रेस्ट मिल्क को गोल्ड माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड्स हेल्थ. मैं जैसे ही मॉम बनी थी तब से ही मैंने अपने बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर दिया था. मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी. बट जब कबीर अराउंड 3 महीने का हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि जिस चीज़ का मुझे डर था वो सब मेरे साथ होना शुरू हो गया. मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होना शुरू हो गया. वो बड़ा हो रहा था, उसकी डिमांड्स बढ़ रही थी एंड एट द सेम टाइम मेरी सप्लाई कम हो रही थी. इंस्टेंटली मुझे उसको फॉर्मूला स्टार्ट करना पड़ा ताकि मैं उसकी भूख मिटा सकूं, बट उसको फॉर्मूला भी सूट नहीं कर रहा था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एज अ मदर वो मेरे लिए सबसे टफ फेस था. बट गाइज गेस वॉट, एज अ मदर ही मैंने डिसाइड किया कि मैं गिव अप नहीं करूंगी. मैंने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट, कबीर की पीडियाट्रिशियन, लैक्टेशन कंसल्टेंट सबसे बात करी. मैंने कितने सारे मॉम ग्रुप्स ज्वाइन किए ताकि मुझे कुछ आइडियाज मिल सके. मैंने लिटरली इंटरनेट को डिग कर लिया कि मुझे कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा वीडियो मिल सके जो मुझे बता सके कि मुझे क्या करना है. एंड गेस वॉट, जब कबीर अराउंड 5 मंथ्स का हुआ तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक हो गया. इनफैक्ट मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि जब कबीर अराउंड 5 मंथ्स का हो गया था और मेरा सप्लाई ठीक हो गया था तो एक दिन में जितनी भी वो फीड्स लेता था उसमें से 90% फीड्स ब्रेस्ट मिल्क होते थे एंड जस्ट 10% फीड फॉर्मूला होते थे. तो ये वीडियो मैं हर उस मॉम के लिए बना रही हूँ जो न्यू मॉम है, एक्सपेक्टिंग मॉम है या फिर इस फेज से निकल रहे हैं, ताकि आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं वो टिप्स दे सकूं जो मुझे काम आए और अगर आप कहीं स्टक हो जाएं तो आपको भी ये जरूर काम आएंगे. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा पहला टिप है कि अगर आपको लग रहा है आपका सप्लाई कम हो रहा है तो आप अपने डेली रूटीन में एक लैक्टेटिंग सप्लीमेंट ऐड कीजिए जिसमें गैलेक्टोगॉक्स हों. गैलेक्टोगॉक्स वो फूड्स या हर्ब्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या मेंटेन करने का काम करते हैं. ऑनेस्टली मेरे लिए ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था. जब मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होना शुरू हुआ तो अबाउट 1 महीना तो मुझे लग गया होम रेमेडीज, डाइट और चीज़ें पता करने में कि मुझे क्या करना चाहिए. 1 महीने के बाद मुझे अपने गायनाकोलॉजिस्ट के थ्रू ये पता चला कि मुझे एक लैक्टेटिंग सप्लीमेंट ट्राई करना चाहिए. मैंने सप्लीमेंट ट्राई किया एंड जस्ट 1 मंथ मैंने वो सप्लीमेंट डेली बेसिस पे लिया. पाउडर फॉर्म में होता है, आप दूध के साथ मिला के उसे ले सकते हैं. मैं दिन में 2 बार लेती थी एंड गाइस 1 महीने के बाद ही मेरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में टोटल चेंज आ गया. मेरा मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक हो गया. मैं कबीर को वापस से ब्रेस्ट मिल्क देने लग गई और मैंने उसे 1 ईयर तक ब्रेस्ट मिल्क दिया. बट उस 1 महीने के बाद मुझे वो सप्लीमेंट दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैंने अपना सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया था और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी अपने डॉक्टर से बात कीजिए और सप्लीमेंट एडवाइस करवा लीजिए. लैक्टेटिंग सप्लीमेंट्स आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और केमिस्ट पे भी मिल जाएंगे. आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने अमेजोन पे काफी रिसर्च करी और मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा जो काफी पॉपुलर है और एक अच्छे ब्रांड का भी है. इसका नाम है त्रिवेदा बाय जंडू. जंडू एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है. ये आयुर्वेदिक है और इसकी सबसे मेन बात ये है कि इसमें शतावरी है. आप लोग जानते होंगे कि शतावरी एक वेल नोन गैलेक्टोगॉग है, यानी शतावरी को माना जाता है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. इसको आपको दूध के साथ ही लेना है और इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे क्लियरली लिखे गए हैं. आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको हर दिन कितने डोसेज की जरूरत पड़ेगी इफ यू वांट. मुझे इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे लगे. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं. मेरा दूसरा टिप है डाइट से रिलेटेड. देखिए प्रेगनेंसी में हम अपनी डाइट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं बट बेबी होने के बाद हम काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम डाइट का उतना ध्यान नहीं रख सकते. और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोसेस है जहां आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली काम कर रही है. तो अगर उसे इक्विवेलेंट अच्छी डाइट नहीं मिलेगी तो बॉडी उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी. ये एक प्रूवन फैक्ट है.
तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं और जो नेचुरली प्रूवन है कि ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाते हैं, तो इन्हें अपनी डेली डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। तो सबसे पहला है जीरा। जीरा हम अपने घर के खाने में काफ़ी यूज़ करते ही हैं, तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। मैं एक अलग तरीके से लेती थी, जीरा को ड्राई रोस्ट कर लिया और उसके बाद उसका पाउडर बना के मैंने अपने पास रखा हुआ था। तो जब मेरा वो फेज चल रहा था तो मैं एक चम्मच वो पाउडर लेती थी और उसके ऊपर से गर्म दूध पी लेती थी, थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ गर्म दूध की, वो अच्छी तरीके से नीचे चला जाए। बट ये मैं डेली बेसिस पे करती थी, तो आप जीरा जरूर ऐड कीजिए। दूसरा है अजवाइन। अजवाइन भी अगेन बहुत पॉपुलर है। अजवाइन को आप सीधा डायरेक्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा अजवाइन लिया, उसमें थोड़ा घी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, आपने ले लिया, ऊपर से गर्म पानी पी लिया, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। आप अजवाइन के लड्डू बना सकते हैं, अजवाइन हम अपने खाने में भी यूज कर सकते हैं। तो आप अजवाइन भी किसी ना किसी फॉर्म में जरूर लीजिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तीसरा है मेथी। मेथी दो फॉर्म्स में आती है। एक होती है मेथी की जो हम सब्जी बनाते हैं, अगर आपकी डिलीवरी विंटर्स में हो रही है तो नथिंग लाइक इट, उस टाइम पे मेथी अबंडेंस में अवेलेबल होती है। डेली बेसिस पे आप मेथी की सब्जी ज़रूर खाइए या किसी ना किसी फॉर्म में उसे ज़रूर खाइए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेथी दाना मिलता है, जो मेथी की सीड्स होती हैं, उसको आप रात को पानी में सोख करके रख लीजिए और सुबह उसको पानी के साथ आप खा जाइए। वो बहुत ही इफेक्टिव होता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है दूध। गाइस आपको याद होगा आपकी गायनोकोलॉजिस्ट बोलती हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि डेली बेसिस पे आपको 1 किलो दूध पीना है, बिकॉज कैल्शियम इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। और सडनली बेबी होने के बाद ना हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, ना हम दूध पीने का हमें टाइम मिलता है, तो बॉडी कैसे मिल्क प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए आपको रोज़ 1 किलो दूध लेना ही लेना है। आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, चाहे आप दही लीजिए, पनीर लीजिए या फिर एक्चुअल दूध पीजिए, बट ये आपकी बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट है गार्लिक। तो गार्लिक भी आप अपनी सब्जियों में यूज़ करते हैं, तो आप ईजिली इसे कंज्यूम कर पाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ जिसने मेरी बहुत मदद करी वो है दलिया और ओट्स। मुझे याद है कैसे उस फेज में मैं सिर्फ मॉर्निंग में या तो दूध दलिया खा रही होती थी या दूध ओट्स खा रही होती थी, और उसने मेरी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में अगेन साथ में बहुत हेल्प करी। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी डाइट में ऐड करते हो तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ जब आप लैक्टेटिंग सप्लीमेंट ले लेते हो तो बॉडी को काफ़ी मेजर बूस्ट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ वो चीज़ें जो अब बॉडी को प्रॉपर प्रोडक्शन में मदद करेंगे। मेरा तीसरा टिप है पानी से रिलेटेड। आप लोगों को ये पता होगा कि ब्रेस्ट मिल्क 87% पानी ही होता है, तो अगर हमारी बॉडी को एडिक्वेट पानी नहीं मिलेगा तो बॉडी ठीक से ब्रेस्ट मिल्क कैसे बनाएगी। इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं उनको 10 से 14 ग्लास पानी पीना है। जब आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रहा होता है तो एक पॉज लीजिए और अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए कि क्या मैं ये सब कर रही हूं, और फिर एनालाइज कीजिए कि एक्चुअल में आपका सप्लाई जो है वो रियली लो हो गया है या आप अभी भी मेहनत कर सकते हो, आपको अभी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। तो 10 से 14 ग्लास आप पानी लीजिए। मेरा सजेशन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कोल्ड वाटर मत लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी अंदर से इतनी सेंसिटिव हुई होती है कि कोल्ड वाटर से आपका गला खराब होने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो आप कहीं बीमार ना पड़ जाओ, तो बेटर है अवॉइड करो। एंड अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या थोड़ा वार्म वाटर पीते हो तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा रहता है, तो बॉडी का जो अंदर प्रोडक्शन सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है। इसके अलावा मैं आपको एक टिप ये दूंगी कि बच्चे को फीड कराने से पहले 1 ग्लास वार्म वाटर पीजिए और फीड खत्म होने के बाद 1 ग्लास वार्म वाटर पीजिए, तो उससे भी बॉडी का बैलेंस ठीक बना रहता है। एंड गाइस लास्ट में मैं आपको 2 जनरल टिप जरूर दूंगी। सबसे पहला, जो न्यू मॉम है वो मेक श्योर करें कि वो किसी को मसाज के लिए लगवा लें। 1 महीने तक आप रोज़ बॉडी मसाज करवाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मस्टर्ड ऑयल से कराइए या जो भी आपके वहाँ वेदर कंडीशन है आप ये कराइए। इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो ठीक रहेगा। अगर आपका ब्लड फ्लो ठीक रहेगा, बॉडी ठीक रहेगी, तो आपकी बॉडी मिल्क अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पाएगी। बॉडी अगर टायर्ड रहेगी, ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो इसका डायरेक्ट असर आपके ब्रेस्ट मिल्क पे पड़ेगा। स्टडीज़ ये कहती हैं कि स्ट्रेस का डायरेक्ट असर ब्रेस्ट मिल्क पे पड़ता है, तो मेक श्योर आपका माइंड और आपका बॉडी टोटली रिलैक्स्ड हो। और मेरा लास्ट टिप ये है कि डेली बेसिस पे आप वार्म बाथ जरूर लीजिए। हल्के गर्म पानी से बाथ लेने से क्या होता है कि जो आपकी ब्रेस्ट में क्लॉगिंग हो जाती है, कई बार ब्रेस्ट ओवर प्रोड्यूस कर रही होती है और इतना प्रोड्यूस कर देती है कि वो मिल्क जो है वो अंदर ही गांठे बना देता है, वो मिल्क बाहर नहीं आता, तो हमें ऐसे लगता है कि मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो रुक गया है, मेरा मिल्क आ ही नहीं रहा है, हम काफी स्ट्रेस हो जाते हैं। बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बॉडी ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया होता है। तो आप वार्म बाथ लीजिए, जिससे
कि ये जो जितनी भी क्लॉक ब्रेस्ट है ये खुल जाता है और आपका मिल्क सप्लाई ठीक हो जाएगा। सो गाइज, ये थे मेरे पर्सनल टिप्स जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी, मुझे गिव अप नहीं करने दिया। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गिव अप कर देती और फॉर्मूला पे स्विच कर देती तो शायद मैं अपने बेबी को अनदर 6-7 months वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती जो मैंने अब उसको दे दिया था। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि गिव अप मत करना। ये जो मैंने आपको टिप्स बोले हैं आप ये जरूर ट्राई करना बिना स्ट्रेस लिए। बट साथ ही एक बात ये ज़रूर याद रखना कि हर वुमन की बॉडी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सब बच्चे अलग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टिप आप पे काम करेगा। और कुछ मॉम्स होते हैं जो ये सब कुछ कर लेते हैं फिर भी उनका सप्लाई ठीक नहीं होता। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीज़न है, ये तो कोई भी नहीं समझा सकता, बिकॉज प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमिना है। बट अपनी तरफ से क्या हमने पूरी तरह से कोशिश करी, इस सवाल का जवाब हम एटलीस्ट अपने आप को ज़रूर दे सकते हैं ये देख के कि क्या मैंने ये सब ट्राई किया। बाकी अपने गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, लैक्टेशन कंसल्टेंट के टच में रहिए इमीडिएटली जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ताकि आपको इतना स्ट्रेस ना लेना पड़े और वो आपकी मदद कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्त्री वेदा बाय जंडू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। एंड एंजॉय योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी।